Es bien dura. ये नारियल चटनी और ये है सांभर और ये है तीखी चटनी। तीखी चटनी से बहुत मज़ा आता है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल विथ अनदर न्यू वीडियो। सो आप लोग को मेरा टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप लोग को पता ही चल ही गया होगा कि क्या होने वाला है। सो फाइनली गाइज, आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि मुंबई में मेरा इडली वड़ा का शॉप है, उसको बनाने के लिए एक दिन पहले से ही उसकी तैयारी की जाती है। तो आपको हम सारा कुछ दिखाए हैं, आप लोग आगे देखिएगा। सबसे पहले आप लोग को ले लेना है चावल मार्केट से, मेरा दुकान है, इसके वजह से हमने 5 केजी चावल लिया है। और इसके बाद डालते हैं इसमें उड़द दाल, ये 250 ग्राम है। तो ये 5 केजी में आप लोग 250 ग्राम हमने ले लिया है उड़द दाल। अब इसमें पानी डालते हैं, इसमें हम पानी डाल लिए हैं। और पानी डालने के बाद इसको भिंगोन छोड़ देंगे इसी तरह 2 घंटे के। 2 घंटे बाद ये फूल जाएगा, उसके बाद मशीन में पीसा जाएगा। ये हो गया इडली बनाने का प्रोसेस। उसके बाद मेंदू वड़ा, मेंदू वड़ा बनाने के लिए हमने ले लिया है यहाँ पर 1 केजी उड़द दाल। ये पानी में भिंगो दिए, अब 2 घंटे बाद ये फूल जाएगा, उसके बाद मशीन में ये डाला जाएगा। ये मशीन है। 2 hours later 2 घंटे फूल जाने के बाद चावल को डालना है मशीन के अंदर। इसी तरह मशीन के अंदर डाल देना सब। चावल डाल लेने के बाद अब इसके अंदर पानी डाला जाता है, पानी डालते हैं। इसको पीसने में लगभग 10 से 15 मिनट टाइम लगता है। उसके बाद हल्का दरदरा रहता है तो उसे मैं निकाल लेंगे। और इससे पहले हम मेंदू वड़ा का ये धोई जो फुलाए थे वो हम पीस लिए हैं। A few minutes later चावल को देख लेना है, हल्का सा दरदरा रहना चाहिए तो समझे कि पिसा गया है। अब इसको निकालने वाले हैं, अब निकालेंगे। ये मशीन है, मशीन के अंदर सब निकाल रहे हैं। सो फाइनली गाइज, हम लोग ने आटा पीस लिया है और उसमें रखे हैं इडली का आटा और ये है मेंदू वड़ा का आटा। अब इसको ढक करके रख देंगे। अब इसका अगले दिन हम लोग का बनेगा पूरा इडली और मेंदू वड़ा, तो कल दिखाएंगे। और इसको अच्छी तरह से ढक कर रख देना है। The next day अगले दिन इस आटा को नमक डालकर स्वाद अनुसार इसको अच्छे से 10-15 मिनट मिला लेना है। उसके बाद बनकर तैयार हो जाएगा हमारा इडली का और मेंदू वड़ा का आटा। इडली के आटा को अच्छे तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसके सांचा में एक एक करके डाला जाएगा, ये कटोरी है, कटोरी में डाला जाएगा। उसके बाद गर्म पानी हो रहा है, उसके गर्म पानी के अंदर एक सांचा बना है और उसके अंदर डाला जाएगा। लगभग ऐसे ऐसे करके 4-5 प्लेट होगा और 4-5 प्लेट करके उसके बाद इसे ढक्कन से ढक दिया जाएगा। ये 10 मिनट बाद ये हाई फ्लेम पर अपने वाष्प से ये पूरा पक जाएगा, उसके बाद इसे निकाल दिया जाएगा और बनकर तैयार हो जाएगा हमारा इडली। इसे ठंडा हो जाने के बाद इसे एक बर्तन में निकाल लिया जाएगा। ऐसे ही प्रोसेस करके 5 से 6 बार निकाला जाएगा इडली। उसके बाद अब चलिए दिखाते हैं मेंदू वड़ा कैसे बनता है। सबसे पहले कढ़ाई में अच्छे से तेल को डालकर हाई फ्लेम पर गरम कर लिया जाएगा। उसके बाद तेल को अच्छे से गरम हो जाने के बाद मेंदू वड़ा के आटा को पानी लगाकर उसके कढ़ाई में डाला जाएगा। उसके बाद मेंदू वड़ा को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पकाया जाएगा। अब बनकर तैयार हो गया है हमारा मेंदू वड़ा। अब बारी आती है चटनी की। चटनी बनाने के लिए इसमें डाल लिया है मशीन में पानी। अब इसमें चना डाला जाएगा, भूंजा हुआ चना है। इस
उसको पीस जाने के बाद नारियल हमने काट के रखा है, उसके बाद नारियल डाला जाएगा। आधा नारियल डाला गया है, उसके बाद दो राउंड में, अगले राउंड में फिर से पीसा जाएगा। अब बनकर तैयार हो गया है नारियल चटनी। कहते हैं ना, बिना तड़के की कुछ मज़ा नहीं आता। अब बारी आती है तड़के लगाने की। तो मिर्च, जीरा और सरसों, और उसके बाद डाला जाएगा कड़ी पत्ता। इसको हल्का ब्लैक ब्राउन होने तक पका लेना है, उसके बाद इसको चटनी में डाला जाएगा। और ये हमने धनिया, मिर्च, अदरक का पेस्ट बना लिया है। अब उसके अंदर डालकर और अपने स्वाद अनुसार नमक डालकर इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद बनकर तैयार हो गई हमारी नारियल की चटनी। अब बारी आती है सांभर चटनी बनाने की। सेम प्रोसेस इसमें भी किया जाएगा। जीरा, मिर्च, कड़ी पत्ता डालकर इसे भी हल्का ब्लैक ब्राउन होने तक पका लिया जाएगा। धनिया मिर्चा का पेस्ट, उसके बाद टमाटर डाला जाएगा। ये है टमाटर का पेस्ट, मिक्सर में पीसा गया है, उसके बाद इसमें डाला जाएगा नमक। अपने स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। और इसके बाद ये है इमली का पेस्ट, मिक्सर में पीसा गया था, उसके बाद पानी डालते हैं। अब इसको हाई फ्लेम पर पका लेंगे अच्छे से। पानी डाल दिए, अब इसको हाई फ्लेम पर खौला देंगे, उसके बाद ये चटनी हो जाएगा। सांभर चटनी बनाने के बाद अब बारी आती है तीखी चटनी बनाने की। मिर्च, लहसुन, जीरा और इसमें डाला जाएगा कटा हुआ टमाटर। इसको कुछ दो मिनट तक पका लेंगे, उसके बाद इसे मिक्सर मार कर उसके बाद ये बन जाएगी हमारी तीखी चटनी। ये बनकर तैयार हो गया है तीखा चटनी। सो फाइनली गाइज, इडली और मेंदू वड़ा बनकर हो गया है तैयार। अब हम जा रहे हैं टेस्ट करने, टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसा बना है। मेंदू वड़ा बहुत मस्त बना है, खाने में बहुत मजा आ रहा है। आपको बैक करके दिखाते हैं कैसा बना है। ये नारियल चटनी और ये है सांभर और ये है तीखी चटनी। तीखी चटनी जब बहुत मजा आता है। मेरा नाश्ता हो गया, खाने में बहुत अच्छा लगा हमको। अब आप लोग भी ऐसे ही ट्राई कर सकते हैं अपने घर पर बनाकर, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे इडली का दुकान का रेसिपी जो था आपको कैसा लगा। अब वीडियो को यहीं पर कर रहे हैं बंद। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।